तीसरे अच्छा शाहजी हमने एक हमने का नाम मीटिंग करनी आपने हम तीनों ने और वो फॉरेन सेक्रेटरी उसमें हमने सिर्फ कहना है कि वो जो लेटर है ना उसके चुप करके मिनट्स लिए अपने पास नहीं मैं कह रहा हूँ इसके ये कह रहा आजम कह रहा हूँ उसके मिनट्स बनाए नहीं इससे फोटो स्टेट सेवन आठ नौ लेकिन मीटिंग सेवन को हुई है ना हमने तो अमेरिकन का नाम लेना ही नहीं है किसी सूरत में हम लिखे चेयरमैन पीटीआई के सितारे गर्दिश में साइफर से मुतालिक इमरान खान की ऑडियो की दूसरी किस्त जारी ये साइफर 8-9 को आया लेकिन मीटिंग 7 को हुई आजम खान और इमरान खान का मुकालिमा इमरान खान की पीटीआई रहनुमाओं को ऑडियो में अमरीका का नाम न लेने की भी हिदायत किस मुल्क से लेटर आया है मैं किसी के मुंह से उसका नाम नहीं सुनना चाहता इमरान खान की ऑडियो में रहनुमाओं को हिदायत आने वाले दिनों में तबाही का रास्ता है वो आपके सामने आ रहा है कि बड़े बड़े डाकू जो चोरी करके इस मुल्क का पैसा बाहर ले गए थे इनको एनआरओ दिया गया इनको डील करके इनके केसेस खत्म किए गए बड़े डाकू पैसा चोरी करके बाहर ले गए और इनको एनआरओ दिया गया मरियम नवाज से पूछा गया तो कहा कि लंदन में क्या पाकिस्तान में भी प्रॉपर्टी नहीं 1100 अरब रुपए आवाम के चोरी हुए जो मुआफ हो रहे हैं ये पैसा चंद लोगों की जेबों में जाएगा कौम बदतरीन महंगाई और कर्जों में डूब रही है सारी कौम को कॉल दूंगा तो वापसी नहीं होगी चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का खिताब परसों वो जो ऑडियो लीक जो हुई है उसमें दूध का दूध और पानी का पानी हो गया इदारों को तकसीम करने की इस शख्स ने एक साजिश की इमरान नियाजी आपने पूरी ऑपोजिशन को गद्दार कह दिया और कहा कि अपना एक दूसरे मुल्क से अपना साज बाज की और ये इम्पोर्टेड हुकूमत है उसने पूरी कौम के वकार को दाव पे लगाया इमरान खान साजिशी जहन के मालिक हैं इमरान खान ने इदारों को तकसीम करने की एक बदतरीन साजिश की गुज़श्ता रोज़ ऑडियो लीक से इमरान खान का इरादा जाहिर हुआ दुनिया ने देख लिया कि एक मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म किस अंदाज में क्या बात करते हैं वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब बोले कि इमरान खान मेरे बारे में क्या कहते हैं शहबाज शरीफ मांगने जाते हैं जब ये बाहर जाते थे तो क्या यहाँ से पैसे लेकर जाते थे वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने बाहरकह बाईपास मंसूबे का संगे बुनियाद रख दिया 5.4 किलोमीटर की सड़क को 4 माह की रिकॉर्ड मुद्दत में मुकम्मल करने का हदफ है मंसूबे के तहत 1350 मीटर तवील ओवरहेड ब्रिज बनाया जाएगा मंसूबे से बाहरकह में ट्रैफिक अरश खत्म होगा मरी और आज़ाद कश्मीर जाने वालों को सहूलत मिलेगी वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेरे सदारत वफाकी काबीना का अजलास ऑडियो लीक्स और हाई पावर कमेटी की तश्कील से मुतालिक मुशावरत रिकॉर्डिंग मंसूबे पर सदारती रेफरेंस भेजने के लिए काबीना से मंजूरी ली जाएगी वफाकी काबीना को वजारत कानून व इंसाफ ने समरी भिजवाई है तबनाई के बहरान पर काबू पाने के लिए मार्केट्स की बंदिश के औकात पर भी गौर किया जा रहा है एवनफील्ड रेफरेंस से आया हुआ कि एहतसाब के निज़ाम को बदनाम करने के लिए इस्तेमाल किया गया नवाज शरीफ और मरियम नवाज को बदनाम करने के लिए एहतसाब के निज़ाम को इस्तेमाल किया गया वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का ट्वीट बोले कि इंतकाम पर मबनी अमल ने मुल्क के जमहूरी इरतका में खलल डाला इंतकाम पर मबनी अमल सियासी अदम इस्तेहकाम का बायस बना जिसने सियासत को नुकसान पहुँचाया
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का सेनेट में कायद ऐवान सेनेटर आजम नज़ीर तारड़ को तब्दील करने का फैसला। इसहाक डार को एक और ओहदा मिल गया। सेनेट में कायद ऐवान नामजद सेनेटर आजम नज़ीर तारड़ से कायद ऐवान का मनसब वापस ले लिया गया। नवाज शरीफ ने इसहाक डार को कायद ऐवान सेनेट नामजद करने की मंजूरी दी। वज़ीर-ए-आज़म ने अहम नामजदगी के बाद चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने एडिशनल सेशन जज ज़ेबा चौधरी से मुआफी मांग ली। इमरान खान एडिशनल सेशन जज ज़ेबा चौधरी की अदालत में पेश हुए। रीडर, आपने बताया इमरान खान आए थे और उनसे माजरत करना चाहते हैं। इमरान खान का मौकफ, जज ज़ेबा चौधरी की अदम मौजूदगी के बायस इमरान खान वापस रवाना हो गए। दफा 144 की खिलाफ वर्जी के केस में चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की जमानत कंफर्म। इमरान खान एडिशनल सेशन जज जफर इकबाल की अदालत में पेश। क्या इमरान खान पर इल्जाम सिर्फ ईमा का है? जज जफर इकबाल का इस्तफसार, ईमा भी सिर्फ लफ्ज की हद तक है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। वकील बाबर आबान का मौकफ, जिस तफ्तीशी ने मुझे नोटिफिकेशन दिया उसका बयान लिखना है। तफ्तीशी अफसर का मौकफ। इंसाफ करने वाले अपने आप को कानून से बाला समझते हैं। हम 3 साल से इस अदालत में आते हैं, ना केस चलता है ना कोई पूछने वाला है। जजमेंट्स हाई कोर्ट की, सुप्रीम कोर्ट की मौजूद हैं कि अगर केस नहीं चलता तो केस को खारिज कर दें। मरियम नवाज की केस में 4 साल बाद हाई कोर्ट से बरियत हुई। 4 साल लग गए इंसाफ मिलने में। जाली केस बनाने वालों से कोई पूछताछ नहीं। जिस मुल्क में इंसाफ का निजाम न चले वो मुल्क नहीं चल सकता। साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी की मीडिया से गुफ्तगू, बोले कि हुकूमत तेल और बिजली के मामलात नहीं देखती। तेल की कीमतों का तायुन ओगरा और बिजली को नेपरा देखता है। पेट्रोलियम लेवी के लिए साबिका हुकूमत ने मुआहदा किया। आज की लीक के बाद इमरान खान के चेहरे से नकाब उठ गया। जो हमारे बहन भाई उसको लीडर समझ बैठे थे उनकी आंखें भी खुल गई होंगी। इन ऑडियो लीक्स की तहकीकात होनी चाहिए। वज़ीर इत्तला सिंध शर्जील मेमन का मुतालिबा, बोले कि सियासत बाद में होती रहेगी, इस वक्त मुतासरीन की मदद करना जरूरी है। सिंध हुकूमत नुकसान का तखमीना लगा रही है। बिलावल भुट्टो दुनिया को बावर करा चुके कि एड नहीं ट्रेड की जरूरत है। इमरान खान ने एक मरतबा नहीं, कई मरतबा, लातादाद मरतबा जो है वो तकरीरों में, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में, अपने बयानात में ऐसी बातें की हैं जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी है। इमरान खान सबके लाडले रहे हैं। चेयरमैन पीटीआई ने अपनी तकरीर में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की मुतअद्दिद बार खिलाफ वर्जी की है। इनके खिलाफ गद्दारी का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। वज़ीरे सिंध सईद गनी की मीडिया से गुफ्तगू, बोले कि मुल्क में सैलाब की तबाहकारियां हैं और इमरान खान तमाशा लगाते फिर रहे हैं। इमरान खान जो भी कर रहा है वो मुल्क दुश्मनी के सिवा कुछ नहीं, कौमी मफादात अजीज हैं। पाकिस्तान में हर केस के पीछे बड़ा चेहरा होता है। लोग चेहरा देखते हैं, केस नहीं। 50 करोड़ से कम करप्शन की खुली छुट्टी है। ये मिठाई भी अपने घर में बांटते हैं। हर चीज जहां बिकती हो वहां कौम नहीं बनती। शेख रशीद का ट्वीट, बोले कि कमीशन खोर माफिया हमेशा एनआरओ ले लेता है। जेलें सिर्फ गरीबों के लिए बनी हैं। अवामी हिमायत के बगैर मुल्क नहीं चल सकता। 1990 में जब नवाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म बने तो उन्होंने सबसे पहले ये कंसीव किया कि इस्लामाबाद और लाहौर के दरमियान एक मोटरवे बननी चाहिए।
जो बिल्कुल सही बात थी, मोटरवे बननी चाहिए थे। ये 23,686 अरब रुपए की मोटरवे थी जो उस वक़्त का यानी 1992 का एशिया का सबसे महंगा कॉन्ट्रैक्ट था। एक कंपनी के ऑनर नवाज शरीफ के वज़ीर-ए-आज़म बनने के बाद उनकी कंपनीज की तादाद 27 हो गई। नवाज शरीफ ने इस्लामाबाद से लाहौर तक मोटरवे बनाई जो एशिया का सबसे महंगा प्रोजेक्ट था। इस दौरान इनका पैसा लंदन ट्रांसफर होना शुरू हुआ। रकम के बड़े हिस्से से पाक लेन अपार्टमेंट्स खरीदे गए। फवाद चौधरी का इल्ज़ाम, बोले के इसहाक डार ही थे कि जिन्होंने पैसे का खेल खेला। गैर मुल्की चैनल की डॉक्यूमेंट्री ने इनका पोल खोल दिया। कौम को गुलामी की जंजीरों से आज़ाद कराना पीटीआई का वलीम मकसद है। चंद माफियाज ने 70-75 साल से इदारों को तबाह किया। तबाह होने वाले इदारों में मीडिया भी शामिल है। पीटीआई आज़ादी सहाफत की सबसे बड़ी दाई जमात है। मुशीर इत्तलात पंजाब उमर सरफराज चीमा का तकरीब से खिताब, बोले कि मीडिया में मसाइल, हुकूमत और मीडिया मिलकर बेहतर बना सकते हैं। मीडिया की बेहतरी के लिए मजीद इकदाम के लिए कानून साजी की जा सकती है। इस इम्पोर्टेड गारमेंट के आने के बाद महंगाई उरूज पर है। आटा 120 से ऊपर जा चुका है। बिजली के बिल तबाहकुन हो चुके हैं। बिजली के बिल अदा नहीं किए जा रहे। सैलाब के अंदर सिंध में जो इनके मेजर इत्तेहादी हैं शहबाज शरीफ के, सिंध में सैलाब में अभी तक ऐसा पानी आया है बारिश के बाद कि जाने का नाम नहीं ले रहा। इम्पोर्टेड हुकूमत के आने के बाद महंगाई उरूज पर पहुंच चुकी है। आटा 120 रुपए फी किलो में फरोख्त, बिजली महंगी कर दी गई। इन्होंने मुल्क को लूट कर NRO2 ले लिया है। अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली हलीमा दिल शेख का तंज, बोले कि जिस एजेंडे पर ये लोग आए हुए हैं वो पूरा हो रहा है। कराची में डाकू आजाद और टारगेट किलिंग हो रही है। लोगों को बुनियादी सहूलियात भी मैसर नहीं। जल्द इमरान खान हुकूमत में और ये चोर जेल में होंगे। स्पेशल सेंट्रल कोर्ट लाहौर में FIA मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ अदालत में पेश। हमजा शहबाज की एक रोज़ा हाजिरी मुआफ़ी की दरख्वास्त दायर। अदालत ने हाजिरी के बाद वज़ीर-ए-आज़म को जाने की इजाज़त दे दी। सुप्रीम कोर्ट में शरीफ खानदान की शुगर मिल्स की मुंतकली से मुतालिक पंजाब हुकूमत की अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस काजीफा अजीजा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 6 अक्टूबर को समाअत करेगा। इत्तेफाक हमजा और शरीफ शुगर मिल्स कपास के पैदावारी इलाकों में मुंतकिल की गई थी। लाहौर हाई कोर्ट ने शुगर मिल्स की मुंतकली के खिलाफ दरख्वास्तें खारिज कर दी थी। अदालती हुक्म के खिलाफ पंजाब हुकूमत ने अपील दायर कर रखी है। लाहौर हाई कोर्ट में ताज़ीरात पाकिस्तान की दफा 124 के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। अदालत ने विफाकी हुकूमत समेत दीगर फरीकैन को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया। जस्टिस शाहिद करीम ने एडवोकेट अबू जर सलमान नियाजी की दरख्वास्त पर समाअत की। 124 से इजहार राय की आज़ादी सलब करने के लिए इस्तेमाल की जा रही है। बगावत के मुकदमात का इंदराज रोका जाए, दरख्वास्त में इस्तदा। शहर इख्तदार में किसान इत्तेहाद का एहतजाज जारी। मुज़ाकरात की नाकामी के बाद एक बार फिर किसान रहनुमाओं का डी चौक जाने का इंदिया। चेयरमैन किसान इत्तेहाद खालिद बाट कहते हैं कि जब तक हमारे मुतालबात मंजूर नहीं होते हम यहाँ बैठे हुए हैं। हुकूमत से दरख्वास्त की है कि वो 1 यूनिट रेट का ऐलान करे ताकि हम घर चले जाएँ। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्ला ने किसान इत्तेहाद को एक बार फिर मुज़ाकरात के लिए बुला लिया।
शहर इख्तदार में कंटेनर रखने और रास्तों की बंदिश के खिलाफ दरख्वास्त पर डेप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद तलब। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की डेप्टी कमिश्नर को 5 अक्टूबर को पेश होने की हिदायत। सेक्रेटरी दाखिला और चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद को भी नोटिस जारी कर दिया गया। शहर में रखे कंटेनर्स और रास्तों की बंदिश से मुतालिक जवाब जमा कराने की हिदायत की। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने केस की समाअत की। दुनिया भर में एयरपोर्ट्स अक्सर प्राइवेट कंपनीज के पास हैं, यहाँ हुकूमत के पास हैं। हमें एयरपोर्ट्स बैन-अल-अक़वामी मयार पर लाना होंगे, वफाकी वज़ीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक का सीनेट इजलास में इजहार ख्याल। बोले कि इस्लामाबाद एयरपोर्ट को मॉडल बनाया गया मगर उस पर अमल नहीं किया गया, एयरपोर्ट मुलाजमीन भी काम करने को तैयार नहीं। पाकिस्तान में तायुनात जर्मनी के सफीर का नेवल हेडक्वार्टर्स का दौरा। नेवल चीफ एडमिरल मोहम्मद अमजद खान नियाजी से जर्मन सफीर की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर, दो तरफा बहरी तआवुन के फरोग पर तबादला ख्याल। जर्मन सफीर ने खित्ते में मैरीटाइम सिक्योरिटी को यकीनी बनाने पर पाक बहरिया के किरदार को सराहा।